आम आदमी पार्टी अपने गठन के 12 साल बाद पहली बार इतनी बड़ी मुश्किलों और संकट का सामना कर रही है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। संभव है कि सवालों के जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो आइए जानते हैं मुनाफे के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति कैसे कमीशनबाजी के खेल का शिकार हो गई, कैसे पूरा स्कैम हुआ और घपले के पीछे कमीशनबाजी का गुणा भाग कैसे किया गया। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को बनी नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2022 में लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नई नीति से रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी। नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की दुकानें जितनी है उतनी ही रहेगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल मिलने पर इसमें ईडी की एंट्री हो गई। उसके बाद से आपके कई सीनियर नेता और उनके करीबी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शराब नीति मामले में ईडी ने आपके किन किन नेताओं पर शिकंजा कसा है। बता दें सीबीआई ने 27 फरवरी 2023 को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारने के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से आपके दोनों बड़े नेता अभी जेल की सलाखों के पीछे है। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेनदेन को अस्थायी रूप से साबित किया है। अब आपको बताते हैं कि मुनाफे के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति कैसे कमीशनबाजी के खेल का शिकार हो गई। मुनाफे के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति से पहले 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, लेकिन नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया और इस दौरान रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए तक पहुंच गया, यानी रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा इस शराब नीति के हिसाब से सरकार को मिलने वाला 329.80 रुपए का फायदा घटकर 3.78 रुपए रह गया, जिसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। यानी सरकार का जो घाटा था वही आपका फायदा बना। आखिरी में आपको बता दें मनीष सिसोदिया, विजय नायर और संजय सिंह जैसे दिग्गजों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया और कहा कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है और इस दौरान आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बता दें आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल ही है। पार्टी में दूसरे चेहरे की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम आता है जो अभी फिलहाल जेल में है। सत्येंद्र जैन हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। पार्टी में इस समय गोपाल राय, अतिश सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा जैसे बड़े नाम है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से ही सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सक्रिय देखी गई। वो सीएम केजरीवाल के साथ 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंची थी। ऐसे में देखना होगा कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो पार्टी संगठन और सरकार की जिम्मेदारी किसके हाथों में देगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।